बोर्ड पे देखना, चैप्टर का नाम न्यू चैप्टर है। आपके बुक में कोई भी चैप्टर हो सकता है, चैप्टर 13। और हमें तो बस एक कॉन्सेप्ट देखना है, हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, हम लेजर के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। हालांकि जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले हम जर्नल करते हैं, जर्नल जैसे ही कंप्लीट होता है हम आ जाते हैं लेजर पे, और लेजर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें से जर्नल हम कर चुके हैं, ठीक है। लेजर की मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करवाना चाहता हूं आपको ट्रायल बैलेंस, क्योंकि 11th क्लास में ट्रायल बैलेंस में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बड़ा ही आसान होता है। आज चैप्टर खत्म हो शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, इसमें कोई टॉपिक ही नहीं है ऐसा, बस समझने वाली बात है। तो आप अपने माइंड से ये निकाल देना कि हमें लेजर नहीं आता तो ट्रायल बैलेंस कैसे करेंगे, उसको माइंड से स्किप करना है। आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको लेजर का आंसर दे दे तो हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं इजीली। अगर हमें लेजर का आंसर नहीं देता, जर्नल दे दे, तो ट्रायल बैलेंस के लिए पहले लेजर बनाओ, ठीक है। तो बेसिकली इसके थ्योरी भी जो है वो हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे जब थ्योरी का पार्ट आएगा हमारा। तो ट्रायल बैलेंस अगर मेरे से पूछोगे सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस होता है हमारा बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। जितने भी लेजर है उसके समरी को इसके अंदर डाल दिया जाता है, उसी को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन सर ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है, ताकि हमने जर्नल या लेजर में कोई मिस्टेक किया है तो उसको ढूंढ पाए यहाँ पे, यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का हमें यहाँ पता चल जाता है कि क्या गलती हमने करी है और क्या कहाँ गलती कराई, ये नहीं पता चलता है डेबिट में कराए या फिर क्रेडिट में। बस इसको करना कैसे, इसका सिंपल सा एक फॉर्मेट है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। इन दोनों पार्ट को मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, अभी लिखा हुआ है यहां पे, लेकिन पहले एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऊपर लिखना है आपको ट्रायल बैलेंस, और नीचे लिखना है एज ऑन, एज जो भी डेटेड है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, और एक जेएफ का कॉलम बना लो या एलएफ का कॉलम बना लो, आपकी इच्छा है। ट्रायल बैलेंस में मेनली जेएफ का होता है, इधर पर्टिकुलर। एक स्टूडेंट का क्वेरी है सर इसमें डेट का कॉलम होगा, नहीं, डेट के कॉलम की जगह आप सीरियल नंबर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। देखो कितना आसान है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप ही जवाब दोगे उसका। मैंने सपोज करो आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने बताया हुआ है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के मतलब क्या होता है, किस चीज को डेबिट करना चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए और उसके अंदर उसका नेचर क्या है। नहीं हमें अभी डेट का कॉलम, आपने पता नहीं कौन सा देखा है पॉइंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेट का कॉलम नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आपने कौन सा पॉइंट देख लिया, कुछ और लेजर देख लिया होगा, बेशक नहीं होगा डेट का कॉलम। सिंपल तरीके से यहां देखो आप बुक के अंदर क्या है, बुक के पॉइंट्स को इग्नोर, आप इसको देखो, ये समझाया, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा कि ये करो, नहीं होगा तब समझना कि हमें नहीं आता, एक बार में आंसर आएगा आपका। अब हमें बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परचेज, परचेज आपको पता है कि नेचर एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट में लिखेंगे। सेल्स क्रेडिट में जाएगा। बिल्डिंग बताओ बिल्डिंग कहाँ लिखें, नेचर एसेट से तो डेबिट। डेटर, डेटर कहाँ जाना चाहिए, डेटर का नेचर क्या होता है, एसेट्स डेबिट जाएगा, डेटर के बाद क्रेडिटर। बैंक से लोन लिया है, तो देखो आपको खुद पता है कि कौन से बैलेंस कहाँ जाना चाहिए। बैंक से लोन लिया के इसके बाद सैलरी खर्चा, इसलिए आप इसे डेबिट बोल रहे हो। इसके बाद कमीशन पेड,
डेबिट। इसके बाद मैं अगर बोलूं कैपिटल, लाइबिलिटी होता है, दैट्स वाई क्रेडिट। मैं बोलता हूं सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स होता है क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न उसको कम करेगा, तो क्रेडिट वाले को कम करेंगे तो क्या होगा हमारा, डेबिट। सेल्स रिटर्न के बाद परचेज रिटर्न, क्रेडिट। यानी आपको मैं और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन बताऊं तो आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई उसे डेबिट में लिखना चाहिए या क्रेडिट। जैसे स्टेशनरी डेबिट, बेड डेट्स खर्चा है डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट जाएगा हमारा। इसके बाद रेंट रिसीव, क्रेडिट क्योंकि इनकम है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इनपुट जीएसटी, एसेट्स होता है डेबिट करते हैं, आउटपुट जीएसटी, यानी जो जर्नल एंट्री में करते थे ना डेबिट क्रेडिट, वही यहां पे करना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपली जब हम करेंगे तो फाइनली हमारा क्या होगा, ये साइड और ये साइड ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, ये डेबिट वाला साइड और क्रेडिट वाला साइड हमारा अपने आप बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यही हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, हमारा समरी ऑफ लेजर है। तो लेजर का तो आंसर आपको इस चैप्टर में गिवन होगा। तो जो डेबिट होना है हम उसे डेबिट लिखेंगे, और जो क्रेडिट होना है क्रेडिट, दोनों साइड को टोटल करेंगे सही तरीके से, और हमारा क्या होगा, दोनों साइड का बैलेंस लास्ट वाला टैली हो जाएगा। फिर क्वेश्चन रेज होता है, सर कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस टैली ना हो, तब क्या करेंगे? तो देखो, मान लो मैंने यहां कैपिटल नहीं दिखाया, तब तो टैली नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस बिना कैपिटल के स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता। मैंने कैपिटल नहीं दिखाया, तो जब हम टोटल करेंगे तो इधर का टोटल ज्यादा होगा। जैसे मान लो इधर का टोटल आया मेरा 10,000, और बट ऑब्वियस है कि इधर का टोटल कम होगा। रीजन कम होने का इसलिए क्योंकि कैपिटल तो मैंने दिखाया ही नहीं है। तो यही टोटल हम इस साइड दिखाएंगे 10,000, यही टोटल 10,000 इस साइड दिखाएंगे, और यहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। और अब इसमें बैलेंसिंग फिगर बीआरएस में तो बहुत सारा निकाला है, तो इसमें से सब माइनस करके बैलेंसिंग फिगर, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बिकॉज ऑफ कैपिटल नहीं गिवन, तो क्या अजम्पशन लेंगे, क्या होगा, कैपिटल, और कैपिटल लिख के उसको हम बैलेंसिंग फिगर दिखा देंगे। तो सिर्फ कब, जब अगर मान लो कैपिटल नहीं दे रखा, तो इस साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और वो क्या माना जाएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर जो निकला है वो क्या है, हमारा कैपिटल है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपका कैपिटल नहीं गिवन। ठीक है, तो आपका क्या है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में सारा डेबिट क्रेडिट लिखोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसका मिसमैच हो, मिसमैच होगा तो मान लो क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा है तो आपको चेक करना होगा कि भाई जब क्रेडिट साइड मेरा कम आ रहा है तो क्या कैपिटल है क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब इसी वजह से हमारा क्रेडिट साइड क्या आ रहा है, कम। तो कितना कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये पॉइंट हो गया, मैंने यहां पे दो पॉइंट्स में बांट दिए इसको। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, कब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं गिवन, तब तो ये करेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक देता है तो हमें ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेरी ये आता है कि सर ये नोट किस बात के लिए लिखा है, नोट को क्या करना है। ये किसका फॉर्मेट था हमारा, ट्रायल बैलेंस का। अब नोट की बात करते हैं कि इस नोट की हेल्प क्या लेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये समझेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। सपोज करो आज जो डे है वो क्या है हमारा, थर्सडे। थर्सडे को मेरे पास स्टार्टिंग में मान लो मेरा काम है टी शर्ट बेचने का, मेरे पास 100 टी शर्ट है। मैं थर्सडे मार्केट गया और टी शर्ट बेचने के लिए गया, और 100 टी शर्ट था मॉर्निंग में मेरे पास, और शाम तक मैंने जब बेचा तो 90 टी शर्ट बिक चुके हैं। कितना था मेरे पास, 100, जिसमें से कितने बिक चुके हैं, 90। तो मेरे पास अभी भी बच गया, इसी को स्टॉक बोलते हैं।
अब डिपेंड करता है कि ये स्टॉक तो एंड में बचा है, तो इसको कौन सा स्टॉक बोलेंगे, क्लोजिंग। थर्सडे के बाद मैं फ्राइडे मार्केट भी जाऊंगा और फ्राइडे मार्केट में भी मैं दुकानदारी करूंगा, तो फ्राइडे मार्केट में जब जाऊंगा तो मेरे पास पुराने वाला कुछ सामान बचा है, वो कितने यूनिट है, 10। तो जो फ्राइडे को जाएंगे तो यही क्लोजिंग स्टॉक, फ्राइडे को मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलूंगा, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में क्या फर्क है, फर्क यही है कि कल का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक आज क्या बन जाएगा, ओपनिंग।